पंचकूला की बात करें तो अभी तक कितने केसेस हैं और कितना कैसा रेस्पॉन्स मतलब देख रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? देखिए, इस साल और पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा डेंगू के केस डेफिनेटली ज़्यादा आए हैं। अभी तक कल की डेट तक 491 पॉजिटिव केसेस थे। पॉजिटिव केसेस का मतलब होता है जो WHO की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो एलाइजा कन्फर्म्ड केसेस होते हैं वो हम पॉजिटिव मानते हैं। जो कार्ड टेस्ट होते हैं वो डाउटफुल केसेस होते हैं और उनको WHO ने पॉजिटिव मानने से मना किया हुआ है। तो पॉजिटिव केसेस 491 हैं और उनका सबका मैनेजमेंट मतलब या तो प्राइवेट में या सरकारी अस्पताल में प्रॉपर भांति से जो हम कर सकते हैं हेल्थ की तरफ से वो चल रहा है। जैसे कि बेड के लेके एक वो होता है कि कहीं बेड कम ना पड़ जाए, क्योंकि कोरोना में भी हमने देखा था बेड एक बहुत ज़्यादा तादाद थी, लेकिन अब अगर बेड्स की बात करें तो अभी क्या स्थिति है? देखिए, बेड क्या होता है ना, एक डेफिनेट नंबर होता है और जब कभी इस तरह की मतलब अनकही इवेंट हो, बेसिकली अनएंटिसिपेटेड इवेंट, कोई एपिडेमिक, कोई पेंडेमिक, कोई आउटब्रेक, तो उस समय कितने मरीज आएंगे ये कहना पहले से मुश्किल होता है। तो बेड्स को ये होता है कि हम मैनेज करते हैं। जैसे अभी मेरे जो कोविड के लिए रिजर्व बेड्स थे, तो क्योंकि कोविड के मरीज कम है तो अभी मैंने कोविड वार्ड जो बना रखा था डेजिग्नेटेड, वो भी डेंगू के मरीजों के लिए खोल दिया है। और इसके अलावा जैसे दूसरे और स्पेसेस जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग्स चलती थी और इमरजेंसी के सामने भी एक हॉल है, वहाँ पे अभी टेम्परेरीली हमने 10 बेड डलवा दिए हैं। इस तरह से करके हमने ज़्यादा जो हमारे पास इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं उनको एकोमोडेट करने के लिए बेड्स अवेलेबल कराए हैं।